नमस्कार, 9 बज चुके हैं सुबह के और अब वक्त हो चला है उन तमाम बड़ी और अहम खबरों के बारे में जिक्र करने का जो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहेंगे। 9 बजे की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहां वो 22 के चुनाव की रणनीति पर पदाधिकारियों संग मैराथन बैठक करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा आज मंडल दिवस मना रही है। तीसरी बड़ी खबर, शहर शहर दे दनादन। तो दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और क्यों भिड़े हैं ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो 3 बड़ी खबरें हैं सुबह तक की। सबसे महत्वपूर्ण, जेपी नड्डा का दौरा है 7 और 8 अगस्त, यानी कि आज और कल दोनों ही दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे जेपी नड्डा। और 2022 में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में उसको देखते हुए ही जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम है। अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। 17 अगस्त को विधानसभा में अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 20 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार और 24 अगस्त को अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। तो 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। 17 अगस्त को विधानसभा में अध्यादेश और अधिसूचनाएं ही सरकार लेकर आएंगी। तो 20 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है। तो बहुत अहम खबर है और इस सत्र में ना जाने कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सरकार ला सकती है। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपीपीसीएस के एक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। अपर सचिव भर्ती परीक्षा 2010 में अनियमितता को लेकर केस दर्ज किया गया है। यूपीपीसीएस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ समेत कई लोगों पर मामला दर्ज है। फर्जी कंप्यूटर प्रमाण धारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने का आरोप आवेदन पत्र जमा करने के आखिरी तारीख के बाद भी स्वीकार किए गए। तो इसको लेकर लगातार अभी जांच भी जारी है और केस भी दर्ज किया गया है। अपर सचिव भर्ती परीक्षा 2010 में अनियमितता को लेकर केस दर्ज किया गया है। अनियमितता बरती गई है, फर्जी कंप्यूटर प्रमाण आधारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने का आरोप लगाया गया है। आखिर वो कौन थे जिन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है और उन पर भी जरूर गाज गिर सकती है। लगातार जांच पड़ताल अभी सीबीआई की तरफ से जारी है। यूपीपीसीएस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। फर्जी कंप्यूटर प्रमाण धारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने का आरोप है। आवेदन पत्र आखिरी तारीख के बाद भी स्वीकार किए गए हैं। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मालवीय, जिस तरीके से तारीख निकलने के बाद भी पेपर्स को स्वीकार किया गया और ऐसे लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, फर्जी कंप्यूटर प्रमाण धारित करने वाले जैसे अभ्यर्थी थे, उनको भी चयनित किया गया है, पूरा मामला एक बार फिर से विस्तार से बताएं और अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी बताएं। ये देखिए, सीबीआई जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि आयोग ने हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ चयनित किया है। फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया। इतनी बड़ी चूक हुई है जिसको लेकर सीबीआई पूरी तरह से लोक सेवा आयोग पर शिकंजा कस चुकी है। सीबीआई ने अपर सचिवालय भर्ती परीक्षा 2010 में अनियमितता के मामले में यूपीपीसीएस के नियंत्रक प्रभुनाथ सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। तो जांच अभी जारी है और आगे काफी खुलासे होने की संभावना है। जी, तमाम खुलासे तो होंगे ही, लेकिन उन लोग पर भी गाज गिरेगी जिन लोगों ने ऐसे लोगों को चयनित किया, जिनको भर्ती किया तारीख निकलने के बाद भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छोटा सिक्का अगर मार्केट में आता है तो वो नए जो अच्छे सिक्के होते हैं उन्हें प्रचलन से बाहर कर देता है। तो इसमें ये तथ्य देखने को सामने आए हैं, जो कि अच्छे अभ्यर्थी थे, जो योग्य अभ्यर्थी थे, उनका चयन ना होकर इस तरह के फर्जी अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जिससे लोक सेवा आयोग की साख को बट्टा भी लगा है। तो इसको लेकर भी लोक सेवा आयोग की ओर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक मालवीय इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आज से दो दिनों के यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा, ब्लॉक प्रमुख पंचायत अध्यक्षों से संवाद करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन होगा, पार्टी के विधानसभा प्रभारियों की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, यूपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बातचीत होगी, 2022 की तैयारियों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कल आगरा के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे, यानी कि आज वो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो शनिवार को ही आज ही लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों को देखने के साथ ही समीक्षा भी करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम संगठनात्मक बैठकों की समीक्षा भी करेंगे। तो 2 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा के, वो 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश में रहेंगे, यानी कि आज और कल उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। तो कल आगरा दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, आगरा में रहेंगे और समीक्षा भी करेंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम जेपी नड्डा का क्या कुछ है। सबसे पहले सुबह 11 बजे जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन, नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। दोपहर 1:15 पर विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 पर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जेपी नड्डा। शाम 4 बजे मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में ही रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे जेपी नड्डा। 8 अगस्त को सुबह 11 बजे आगरा में बैठक करेंगे। उसके बाद जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ बैठक करेंगे, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ भी बैठक करेंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकारी योजनाओं के बारे में दे सके प्रधान। 8 अगस्त को शाम 3 बजे ही कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगरा से नई दिल्ली के लिए फिर वो रवाना होंगे 8 अगस्त को ही, यानी कि आने वाले कल। तो कल जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे वापस से दिल्ली के लिए। 2 दिन जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में रहेंगे। सबसे पहले वो लखनऊ आएंगे और लखनऊ आने के बाद जेपी नड्डा तमाम बैठकों में शामिल होंगे, तमाम कार्यक्रम होने हैं जिसमें वो शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में चुनाव को देखते हुए ही जेपी नड्डा पूरे तरीके से तैयार हैं और पार्टी को भी तैयार करने की कवायद में अब लग चुके हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आज जेपी नड्डा क्या कुछ करेंगे। लखनऊ के संगठन की बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक करेंगे। कई कार्यक्रम को देखने के बाद कार्य की समीक्षा करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। ब्लॉक प्रमुखों को भी जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो आज क्या कुछ करेंगे जेपी नड्डा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने है, कमल गोल्डन कलर का। आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर कैसे इस सुनहरे कमल को खिलाने की कोशिश में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 2 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे और वो लग जाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में।
उसके बाद 403 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी लेंगे, प्रभारियों के साथ बैठक कर संबोधित करेंगे उन्हें, दोपहर 3 बजे सांसदों के साथ भी वो बैठक करेंगे। तो एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है जेपी नड्डा का, क्योंकि वो 2 दिन रहने वाले हैं, 7 और 8 अगस्त को सबसे पहले लखनऊ में आएंगे और कल यानी 8 अगस्त को वो आगरा जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे थे, चलिए अब आपको बताते हैं कि 8 अगस्त को ताज नगरी जाएंगे अगर जेपी नड्डा तो क्या कुछ करेंगे। 8 अगस्त की सुबह आगरा जाएंगे जेपी नड्डा, कोरोना वॉरियर्स के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी, आगरा से ही फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे जेपी नड्डा। तो आगरा में बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी जितने कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होंगे जेपी नड्डा और फिर वो राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यानी कि 7 अगस्त को एक लंबा कार्यक्रम रखा गया है जेपी नड्डा का। तो ये वो तमाम ग्राफिक्स हैं जिसके जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। चलिए अब खबरों में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ये जानकारी मिल रही है कि आज यूपी में सपा मनाएगी मंडल दिवस, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज यूपी में सपा मंडल दिवस मनाएगी। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे, मंडल कमीशन के आधार पर 7 सूत्रीय मांग रखेगी समाजवादी पार्टी। आज सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदर्शन करेगा, तो आज यूपी में सपा मनाएगी मंडल दिवस। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे, मंडल कमीशन के आधार पर 7 सूत्रीय मांग रखेगी सपा, आज सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ करेगा सम्मेलन। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी जुट गई है, 2022 की तैयारियों में तमाम लगभग हर राजनीतिक पार्टियां ही 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं और ऐसे में बैक टू बैक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचेगा और आचार संहिता लागू हो जाएगा, इसलिए अभी से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश में हैं कि कम समय में ज़्यादा बातें जनता तक पहुँचा दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी आज यूपी में मंडल दिवस मनाएगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मंडल दिवस के जरिए तमाम ऐसे संदेश हैं जो पहुंचाने की कोशिश भी होगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम रणनीति तैयार करने की कोशिश है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी में तमाम नेता शामिल हो सकते हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। आज कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं की घोषणा करेंगे अखिलेश यादव। सपा कार्यालय में दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 12 बजे अखिलेश यादव ये देखना होगा कि वो कौन से नेता हैं जिनको पार्टी में शामिल करते हैं। आज कई सारे ऐसे नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में। 12 बजे का जो वक्त है बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नगमा, 12 बजे का वक्त हम कह सकते हैं 2022 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि आखिर वो कौन से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? नगमा, क्या आप तक हमारे पास? जी, चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इधर से उधर पार्टियों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी में भी जो नेता है वो बसपा के ना है, बड़े नेता बताए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद है राजपाल सैनी, जो बसपा से अपने बसपा छोड़कर आज अपने बेटे सिवान सैनी के साथ सपा में 12:30 बजे सदस्यता लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अखिलेश यादव लगातार लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो अगर समाजवादी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो आज बसपा से पूर्व राज्यसभा जो
राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, तो वो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया नगमा इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में शराबियों का तांडव देखा गया है। नशे में धुत युवकों ने एक व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से पीटा है। पिटाई से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित ने आशियाना कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। तो दे दनादन एक व्यक्ति को पीड़ित ने आशियाना कोतवाली में तहरीर तो दे दी है, लेकिन आखिर कार्रवाई कब तक होगी ये नहीं पता। आश्वासन तो पुलिस की तरफ से दिया गया है। तो प्रतापगढ़ में बैक ऑफ दबंगों का आतंक। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दबंगों ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मांधाता कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज वन इंडिया की तरफ से। एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां आप देख सकते हैं दो पक्ष आपस में कैसे भिड़े हैं, लाठी डंडे खूब चले हैं। हालांकि पुलिस यहां पर बाद में पहुंची। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची मौके पर। बैकहॉफ दबंगों का ये आतंक गांव में देखने को मिल रहा है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। मामूली कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। हालांकि एक महिला जो घायल हो गई है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया गया। लेकिन ये जो महिला आप देख रहे हैं गुलाबी रंग की साड़ी में, ये जो है घायल हो गई है, क्योंकि इस मारपीट में बीच बचाव करने जब ये महिला जा रही थी तो धक्का मुक्की लगने के कारण महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बाकायदा हाईलाइट करके। आप देखिए पेड़ के उस पार कैसे लाठी डंडों से मारपीट यहाँ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर चुनाव में आरपीआई को साथ लेती है तो बीएसपी का सफाया हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना था। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। जातीय सियासत पर माथापच्ची हो रही है कि आखिर कौन सी जाति का वोट किस पार्टी के साथ है। और यही वजह है कि हर दल न सिर्फ ओबीसी बल्कि अनुसूचित जाति और ब्राह्मणों को लुभाने में लगी है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो क्या सोचते हैं 2022 को लेकर। इस वक्त रामदास अठावले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, आप अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे, आपने अपनी बात भी रखी थी, अपनी मांग भी रखी थी, जो है क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस तरह का आपको अपना अपनी तरफ से पार्टी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नहीं, एक तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की संख्या भारी संख्या है और दलित वोट पर मायावती अपना अधिकार जमाने की होड़ में लगी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का भी दलित वोटों पर अधिकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई और हमने उनसे बात की है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी एनडीए के पार्टनर है और अगर रिपब्लिकन पार्टी को उत्तर प्रदेश में साथ में लिया जाता है, एक 8-10 सीटें आरपीआई को अगर मिलती है तो बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। मायावती को झटका देने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है और रिपब्लिकन पार्टी को भी अपना खाता खोलने के लिए मदद हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, विचार करेंगे और देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन आरपीआई तो बीजेपी के साथ रहना चाहती है और दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाने की रिपब्लिकन पक्षीय पार्टी की भूमिका है और इसीलिए हम बीजेपी के साथ रहेंगे। रामदास अठावले जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 के चुनाव में आरपीआई की अहम भूमिका हो सकती है, खासकर बीजेपी के जो विपक्षी दल हैं यानी बसपा और सपा को
अगर सही मायने में टक्कर देनी है तो अगर बीजेपी आरपीआई के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को कामयाबी सुनिश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। और चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।